प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 फरवरी को विशाखापत्तनम पहुंचे। यहां इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के दौरान पीएम ने 9 सैनिकों को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत इसी साल अप्रैल में अब तक के पहले ग्लोबल मैरिटाइम समिट का आयोजन करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्र के जरिए होने वाली आतंकी गतिविधियों और समुद्री डकैती को समुद्री सुरक्षा के लिए 2 सबसे अहम चुनौती करार दिया है। 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले की ओर इशारा करते हुए मोदी ने कहा कि भारत समुद्र के जरिए पैदा होने वाले खतरे का सीधे तौर पर पीड़ित रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि समुद्र के जरिए पैदा होने वाले खतरे ने अब भी क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और स्थिरता को खतरे में डाल रखा है। मोदी ने कहा कि सोमालियाई समुद्री लुटेरों की ओर से भारत सहित अन्य देशों के व्यापारिक पोतों को निशाना बनाए जाने की पृष्ठभूमि में समुद्री डकैती भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के समापन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने दक्षिण चीन सागर विवाद की ओर परोक्ष तौर पर इशारा करते हुए कहा कि देशों को नौवहन की आजादी का सम्मान के साथ साथ इसे सुनिश्चित करना चाहिए और उन्हें प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि सहयोग करना चाहिए। पीएम ने कहा, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है और ये सिद्धांत धरती में अगर कहीं दिखता है लेकिन समंदर में ही दिखता है। पिछली बार भारत ने साल 2001 में अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू का आयोजन मुंबई में किया था। 15 साल बाद 2016 में दुनिया काफी बदल गई है। समुद्र वैश्विक खुशहाली के लिए जीवन रेखा की तरह है और ये हमें अपने राष्ट्र निर्माण के लिए कई आर्थिक मौके उपलब्ध करवाता है। आपको ये भी बता दें कि इस बार फ्लीट रिव्यू में भाग ले रहे 31 जहाज मेक इन इंडिया के हैं, जो देश के लिए फख्र की बात है।